ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ सदस्यों का हंगामा। मुरादाबाद में मुंडा पांडे ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए सदस्यों ने डीएम कार्यालय पर जमकर नारेबाजी करते हुए ब्लॉक प्रमुख को तुरंत हटाने की मांग की है। डीएम मुरादाबाद कार्यालय पर पहुंचे सैकड़ों लोगों ने मुंडा पांडे ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। काफी देर तक हंगामा और नारेबाजी होने के बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बुलाई गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि वो लोग ब्लॉक मुंडा पांडे के मेंबर हैं और वो लोग ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। इनका आरोप है कि ललित कौशिक ने मदों में भारी घोटाले कर दिए हैं और बिना सदस्यों के हस्ताक्षर किए ही पैसे का लेन देन पिछले 2 सालों से किया जा रहा है और पिछले 1 साल से कोई बैठक तक नहीं बुलाई है, जबकि प्रति 3 माह में सदस्यों के साथ बैठक जरूरी है। प्रदर्शनकारी सदस्यों ने बताया कि ललित कौशिक प्रमुख के विरुद्ध उप क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 15 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। उनके साथ कुल 99 सदस्य हैं और जब तक उनके द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है, वो लोग डीएम कार्यालय पर ही बैठे रहेंगे। मेरा नाम मिथिलेश है, वार्ड नंबर 47 बादासना। मैं BDC मेंबर हूँ। जो हमारे ब्लॉक मुंडा पांडे के प्रमुख हैं, हम उन्हें हटाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे गांव में ग्रामीण में कोई भी कार्य नहीं किया है। 2 साल हो चुके हैं, ना ही कोई मीटिंग की है और ना ही गांव में कोई रोजगार का काम किया है। स्कूलों के लिए ना ही पक्के रास्ते हैं, कोई व्यवस्था नहीं कराई है। जब हम वोट लड़ते हैं तो गांव वालों से हम वादा करते हैं हम गांव में विकास लाएंगे, इस वजह से उन्होंने हमारा कोई विकास नहीं करा है। हम इसलिए उन्हें हटाना चाहते हैं और हम 80 BDC मेंबर हैं। हम उन्हीं लोगों में से किसी को एक को खड़ा करना चाहते हैं जो हमारा कार्य करा सके, हमारी बातों को सुन सके, हमारी शिकायतें सुन सके। हमें उनसे शिकायत है कि ब्लॉक प्रमुख को हटाया जाए ललित कौशिक, और हम नया ब्लॉक प्रमुख चुनना चाहते हैं। अगर उन्हें नहीं हटाया जाता तो क्या करेंगे? हम और ऊपर तक जाएंगे, हम अपनी शिकायत और भी करेंगे, जहां तक हमारा हम करना चाहेंगे वहां तक करेंगे शिकायत। 80 BDC मेंबर हैं यहां पे। सर क्या नाम है आपका? मेरा रिजवान हुसैन नाम है। रिजवान जी, यहां पर क्यों आए हैं? भाई साहब, मैं बरवाला खास क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ, 287 से। हम भाई साहब अपने ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक के खिलाफ आए क्योंकि हमने उन्हें लगभग 3 साल पहले ब्लॉक प्रमुख बनाया था। अब सारे 99 BDC मेंबर हैं हमारे ब्लॉक में, जिसमें से लगभग हमने 80 मतलब निर्विरोध चुने गए थे, जिसमें आज हम 80 BDC मेंबर उनके खिलाफ इसलिए आए कि उन्होंने 3 साल में किसी भी प्रकार का कोई भी किसी भी BDC मेंबर को कोई विकास नहीं दिया, ना ही उनकी कोई मांग उन्होंने पूरी करी। उनके ब्लॉक के जितने भी अधिकारी हैं, ना ही हमारे किसी BDC मेंबर की कोई बात सुनने के लिए तैयार हैं वो। इसलिए हम उनके खिलाफ अविश्वास लेने के लिए आए। हमारी मांगे विकास की मांगे हैं हमारी। हमारी जो भी BDC मेंबर की ज़रूरतें होती हैं, कोई विकास ब्लॉक के काम होते हैं, वो कोई काम हमारा नहीं हो पा रहा है ब्लॉक में। आप जाते हैं उनसे काम के लिए? कहते हैं बिल्कुल जाते हैं, उनके पास काम के लिए जाते हैं। कोई भी जब भी कभी किसी काम के लिए गए कि गाँव में कोई विकास नाली खरंजे के लिए गए तो कि भाई खाते में पैसा नहीं आया, सरकार पैसा नहीं दे रही, इस प्रकार के बहाने बनाकर वो हमें टाल देते हैं। साल से लगभग विकास नहीं है भाई साहब। 3 साल हो गए हमें BTC मेंबर बने हुए, लगभग 3 साल ही उन्हें ब्लॉक प्रमुख बने हुए, अभी तक तो कोई काम उन्होंने हमारे गांव में क्या किसी BTC मेंबर का कोई काम नहीं कराया उन्होंने। हम ये चाहते हैं कि हम कोई दूसरा BTC ब्लॉक प्रमुख बनाएं जो हमारे काम में आए, हमारे विकास कराए, और इसी प्रकार का हमें ब्लॉक प्रमुख मिल जाए। कार्यकाल उनका बाकी शेष, लगभग अभी 8 महीने बाकी हैं उसमें। ब्लॉक प्रमुख मुंडा पांडे, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं तो आप क्या करेंगे? हमारी मांगे अगर नहीं पूरी, आज हम DM साहब को अपना ज्ञापन देने के लिए आए, अविश्वास के लिए आए हम, क्या हमें अविश्वास मिलना चाहिए? हम दूसरा ब्लॉक प्रमुख बनाना चाहते हैं। अगर हमारी यहाँ से मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो हम DM मुख्यमंत्री तक जाएंगे।